संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। हमारा संज्ञा प्रकरण अब समाप्त हो गया है। संज्ञा प्रकरण के बाद में हमने आपसे वादा किया था कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य भाषा विज्ञान में से एक शुरू करेंगे, तो आज हम भाषा विज्ञान को ले लेते हैं। आज से भाषा विज्ञान, इसको विज्ञान नाम दिया गया है भाषा को, क्योंकि इसका भी भाषा से संबंधित जो भी ज्ञान अर्जित किया गया वो क्रमबद्ध किया गया। इसके बारे में दो चार बातें जानेंगे, उसके बाद सीधे हम विभाजन पे चलेंगे। इसको कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, ये सब कुछ माने नहीं रखते क्योंकि इनकी परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं और परिभाषाएं आप बनाई हुई देख भी सकते हैं। बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से इनकी भाषाएं परिभाषाएं बनाई हैं तो उनको कंठस्थ भी कर सकते हैं, यहाँ उसका उद्देश्य नहीं है समझाने का। भाषा जो है मुख्य रूप से संस्कृत के भाष शब्द से आया है, इसका मतलब होता है बोलना। मैं अपनी तरफ से इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं, हो सकता है किसी पुस्तक में ना हो। सबसे पहले जो भाषा की उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में कहीं भी कोई भी सटीक प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार से ये उत्पत्ति हुई है। यहाँ बहुत सारे विद्वानों अलग 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 तरीके से इसको बताया है, लेकिन मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि भाषा जो पहले हुआ करती थी वो एक सांकेतिक भाषा, जिस पर सभी सर्वमान्य हैं, सभी विद्वान मानते हैं कि सांकेतिक रूप से शुरू हुई थी ये। पहले जो लोग हुआ करते थे या व्यक्ति हुआ करते थे वो अपने मुखार बिंदु से उसको वाक के रूप में, ये आता है अंतर, याद रखना इसको, भाषा और वाक, इसके बारे में अंतर आता है। तो भाषा वाक के रूप में मौजूद नहीं थी, इसका जैसे अब यहां मैं उच्चरित कर रहा हूं, भाषा को बोल रहा हूं, ये वाक के रूप में, स्पीच इसको बोला जाता है इंग्लिश में, स्पीच, तो इस रूप में मौजूद नहीं थी, लेकिन भाषा थी। भाषा सीधे तात्पर्य होता है समझ से संबंधित होता है, जिसको किसी भी प्रकार से वो समझ सके। बोल रहा हूं मैं, ये वाक हो गई, कान में जैसे ही पड़ेगी, कान के द्वारा जब उसको अर्थ को समझा जाएगा, उतना जो समझा गया वो भाषा कहलाती है। तो भाषा के लिए वाक हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो वाक तो ये बाद में शुरू हुई है। तो पहले सांकेतिक भाषा हुआ करती थी, संकेत के माध्यम से एक दूसरे को बता दिया करते थे और भाषा को जान लेते थे, अर्थात वो समझ लेते थे वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर उसका आगे का रूप चला होगा, तो कोई वस्तु है या किसी जीव के बारे में बताना है तो संकेत के माध्यम से जब ही बता सकते हैं जब वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जैसे ही अप्रत्यक्ष हो जाएगा वो, तो उसको संकेत उसमें कामयाब नहीं होगा, उसमें संकेत से उसको समझा नहीं सकते कि कौन चीज थी और किसके बारे में हमको समझाना है। उसके लिए फिर चित्रात्मक रूप दिया गया होगा, चित्रात्मक भाषा, अर्थात उसका चित्र बना करके उसको समझाया गया होगा और वो चित्रात्मक रूप ले लिया उसने। आज भी हमारे यहाँ चित्रात्मक भाषा है, चीन की भाषा चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत ही आती है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रित भालुपी के अंतर्गत आती थी, वहां चित्र भी बनाए जाते थे, लेकिन चित्र चित्र का रूप में ज्यों की त्यों अर्थ नहीं देकर के उसके भाव लगाया जाता था, इसलिए उसको पढ़ना कठिन हो गया। एक तो ये कारण था उसको न पढ़ने का, दूसरा कारण था उसकी कभी भी कोई भी दूसरी भाषा में अनुवाद ना मिला, अर्थात तो उसका कोई भी अनुवाद ना प्राप्त होने के कारण भी उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। ये दो कारण थे। खैर, हम सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं जाएंगे, इतिहास का विषय है वो। तो भाषा, दूसरा भाषा चित्रात्मक था, फिर सूत्रात्मक हुआ, उसके बाद में इसको लिपिबद्ध, चित्रात्मक बहुत बड़ा हो जाता था, तो चित्र जब बनाए जाते तो बहुत बड़ा रूप लेना पड़ता था इसको, इसको छोटे रूप में ध्वन्यात्मक रूप दिया गया, लिखित रूप दिया गया, ठीक है, लिखित रूप दिया गया तो उसको ध्वन्यात्मक रूप बोला जाता है, अर्थात जो बोले उसको लिपिबद्ध कर लिया जाए, ध्वनि, ध्वनियात्मक का मतलब ध्वनि को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई, तो वो लिखित भाषा फिर शुरू हुई। इस तरह से ये भाषा का एक पूरा प्रकार है। यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं इसको भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा इसका उद्देश्य नहीं है समझाने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे आपको कुछ लाभ होने वाला है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। मैं सिर्फ दूसरे स्थान पर आता हूं, भाषा के वर्गीकरण पर, ये भाषा की परिभाषा और भाषा क्या है ये अलग विषय है, इसमें से प्रश्न मुझे नहीं लगता कि बनते हैं, और YouTube के माध्यम से ऐसा कोई भी विषय मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं अध्ययन करवाना की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि समय बर्बाद हो। सीधे प्रश्न पाते हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो अब भाषा को भी कई रूपों में देखा गया,
इसके दो रूप, इसमें बहुत सारे विद्वान जब उनमें बैठे तो उन्होंने कई रूपों में इसको निकाला, लेकिन निकाल करके दो रूप इसमें मौजूद कर दिए गए, वो हम इसमें संस्कृत के हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि संस्कृत का ही श्लोक है, संस्कृत दर्शन नाम दिया है, तो भाषा विज्ञान भी हम संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे हम, हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं जिससे कि हमें पता चले कि ये आपको सही से समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इसमें चलते हैं हम। भाषा का वर्गीकरण देख लेते हैं, भाषा विज्ञान है इसमें आज। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब है दो भागों में इसको बांटना, दो वर्ग में। वर्गीकरण का मतलब वर्ग, यानी कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो इसका श्लोक देख लेते हैं, परिवार आकृतो भिन्ना विश्वभाषा द्विधामता, परिवारा आकृतो भिन्ना विश्वभाषा द्विधामता। ठीक है, मैं इसको व्याख्या भी करूंगा और यहाँ एक चार्ट दूंगा बड़े अच्छे से। यदि आपको श्लोक कंठस्थ नहीं होता है कोई बात नहीं है, उसका एक चार्ट के माध्यम से आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। आगे है द्विधाचा आकृति मूलास्ता, द्विधाचा आकृति मूलास्ता योगा अयोग प्रभेदता। द्विधाचा आकृति मूलास्ता योगा अयोग प्रभेदता अयोगो भेद एकस्तु त्रिधा योगात्मको मता। श्लिष्ट श्लिष्टा श्लिष्टा प्रश्लिष्टाश्च, श्लिष्टा श्लिष्ट प्रश्लिष्टाश्च प्रकृति प्रत्यात्मका। इस तरह से इसको जान लेते हैं, बस इसमें ही आपका ये वर्गीकरण संपूर्ण आ जाता है। इसके दो भाग बांट दिए गए हैं, पहले एक बार एक और इसको बोल लेते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, इसको एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं जिससे कि दिमाग में ही बैठ जाए। परिवारा आकृति भिन्ना, देखिए आकृति है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। आकृतिर्भिन्नः विश्वभाषा द्विधामता, द्विधा च आकृति मूलास्तः योग अयोग प्रभेदता, अयोगो भेद एकस्तु त्रिधा योगात्मको मतः, श्लिष्टा श्लिष्ट प्रश्लिष्टाश्च प्रकृति प्रत्यात्मकः। अभी आपको समझ में इस समय नहीं आएगा, अब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, फिर आपको ये बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। वर्गीकरण यहां लिख लेते हैं, भाषा का जो वर्गीकरण किया गया है विश्व की भाषाओं का, देखिए परिवार आकृति अर्थात एक आकृति मूलक, दूसरा पारिवारिक मूलक। परिवार आकृति से के भिन्नता से विश्व भाषा द्विधामता, अर्थात विश्व की जो भाषाएं हैं
भाषा वर्गीकरण लिख लो यहां पर विश्व भाषा, किसका वर्गीकरण है, विश्व की भाषा का वर्गीकरण है। तो विश्व की भाषा का वर्गीकरण परिवार और आकृति के रूप में दो प्रकार से हो जाता है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। ठीक है, दो प्रकार से। आगे कहता है कि द्विधा चा आकृति मूलास्ता, यानी जो आकृति मूल है वो फिर से दो प्रकार से हो जाता है। ये फिर कितने प्रकार से हो जाता है, दो प्रकार से। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं एक बताता चलूं, ये पारिवारिक मूलक जो है इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। आज का जो मुख्य इसमें ये आकृति मूल है, आकृति जो मूलक है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि द्विधा च आकृति मूलास्ता, यानी कि जो आकृति मूल है वो दो प्रकार से है, कौन कौन सी, अयोग अयोगा प्रभेदता, प्रथम स्थान पर है योग और दूसरे है अयोग, योगात्मक इसको कर सकते हैं। ठीक है, योगात्मक और अयोगात्मक। तो आकृति मूलक को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, कहां से निकला हमें, योग अयोग प्रभेदता, यानी योगात्मक और अयोगात्मक रूप से आकृति को दो भागों में बांटा गया है। फिर आगे कहा है अयोग भेद एकस्तु, जो अयोग है अयोगात्मक वर्गीकरण किया गया है वो मात्र एक ही प्रकार का है, उसके कोई भी प्रकार नहीं बदले हैं। इसमें भाषाएं आती हैं, जैसे चीनी भाषा है, तिब्बती भाषा है, बर्मा भाषा है, सूनानी भाषा है, ये अयोगात्मक के अंतर्गत आती हैं। अयोगात्मक क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, ये हम अभी जानेंगे। पहले हम और चलते हैं इसमें, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, अब अयोगा भेद एकस्तु, एक प्रकार का होता है अयोगात्मक वर्गीकरण, त्रिधा योगात्मको मता, अर्थात जो योगात्मक है, नीचे इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता, इसमें मुश्किल पड़ रहा है ये आना, आ जाएगा, इसको देख लेते हैं यहां, केवल एक ही देखेंगे। तीन प्रकार का होता है, फिर हम इसको मिटा देंगे लिखने के बाद। ये तीन प्रकार का होता है, कौन सा होता है, योगात्मक। योगात्मक कितने प्रकार का होता है, श्लिष्ट आश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, ये तीन प्रकार से माना जाता है। पहले स्थान पर श्लिष्ट, दूसरे स्थान पर अश्लिष्ट और तीसरे स्थान पर प्रश्लिष्ट, इस तरह से ये इनको विभाजित किया गया है। अब यहां पर जो श्लिष्ट अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट है इसके भी दो दो भाग हो जाते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इनके भी चार भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इस तरह से इनके भाग होते चले जाते हैं। कैसे होते हैं, प्रकृति प्रत्यात्मक, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय के रूप में जो व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर इनके विभाग हो जाते हैं। यहां जो मुख्य मान जानना होगा आपको, जो प्रकृति जो आकृति मूलक है, परिवार मूलक की यहां बात नहीं हो रही है, यहां आकृति मूल की बात हो रही है, तो ये प्रकृति और प्रत्यय इन दो को आधार मान करके, प्रकृति हम जानते हैं जैसे हमारी प्रकृति क्या है, शब्द की धातु है, संस्कृत में हम धातु पढ़ते हैं, प्रकृति माना जाता है, और धातु से यदि कोई प्रत्यय पढ़ा जाता है, जैसे शुभ प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, ये प्रत्यय के रूप में माना जाता है, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो प्रकृति प्रत्यय के आधार बना करके जो विभाजन किया गया वो आकृति के अंतर्गत आया गया। याद रखना है इसको, पद के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो आकृति मूल के अंतर्गत आता है, और वो अयोगात्मक और योगात्मक दो रूप से माना जाता है। अयोगात्मक का मतलब समझ ले यहां पर थोड़ा सा, आ माने नहीं, योग माने योग, माने जोड़ना, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय
अलग अलग रहे, जुड़े नहीं, अयोगात्मक कहलाता है। यानी कि इस अयोगात्मक भाषा जो होती है उसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग होते हैं, कभी वो जुड़ते नहीं है। ऐसी भाषाएं वो अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आते हैं। चीनी भाषा जैसे मुख्य रूप से है, इसमें तिब्बती है, बर्मी है और शुणानी है, ये भाषाएं हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग होते हैं, जुड़ते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में जो भाषा है उसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए वो योगात्मक के अंतर्गत आते हैं। योगात्मक का मतलब इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर के पद की रचना करते हैं, तो वो योगात्मक के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक इनको इसको समझ लिया आपने, केवल इतने से नहीं सारी बातें छुपी हैं, ये समझ लिया तो ये अपने आप से बनता चला जाएगा। ये बस पूछ लिया जाता है कि अयोगात्मक भाषा का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है चीनी, तिब्बती, बर्मा, सुडानी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों किस में अलग अलग रहते हैं, तो याद रखना है अयोगात्मक जितनी भी भाषाएं हैं अयोगात्मक उसमें कभी प्रकृति प्रत्यय एक नहीं होता, तो इसका नाम इसलिए है अयोगात्मक, जो जुड़ते नहीं है। ठीक है, योगात्मक जो जुड़ जाते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको योगात्मक बोला जाता है। इसका एक नाम और है, इसमें स्थान विशेष को विशेष रूप दिया गया है, क्योंकि इसमें स्थान की विशेषता होती है। दूसरा नाम है इसका, क्योंकि जो प्रकृति है वो और प्रत्यय दोनों अपने आप में मूल होते हैं, इसलिए इसको रूट लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसको याद रखना है, अयोगात्मक को क्या बोला जाता है, रूट लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, और इसका एक नाम और है, क्योंकि ये विशेष रूप से अलग अलग ही होते हैं, आइसोलेटिंग इसको नाम दिया गया है। तो दो नाम हो गए इसके, रूट लैंग्वेज और आइसोलेटिंग, इसको याद रखना है। अयोगात्मक के कितने नाम हो गए, रूट लैंग्वेज और आइसोलेटिंग, ये दो नाम इसके अलग से हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा अध्ययन, अब अयोगात्मक में इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस दो चीज थी, प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग थे, अलग अलग दोनों की मूल माने जाते हैं, प्रकृति भी मूल होता है प्रत्यय भी मूल होता है, इसकी रूट लैंग्वेज कहा जाता है, अलग अलग होने के कारण आइसोलेटिंग भी बोला जाता है इसको। अयोगात्मक में भाषा आती है चीनी है, तिब्बती है, बर्मी है और शुणानी है, ये भाषाएं आती हैं। इसके बाद में इसको हम बंद कर देते हैं। इसको अगर समझ में आ जाता है आपके, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मैं इनके अगला वीडियो जो बनाऊंगा विस्तृत उदाहरणों के साथ बनाने का प्रयास करूंगा। आज मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि वर्गीकरण करना, आकृति का, आकृति मूलक का, परिवार मूलक का हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम में बताएंगे तो परिवार मूलक को तीसरी वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा उसको। उसमें मैं इनके उदाहरणों के द्वारा आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि कमेंट के माध्यम से मुझे नहीं मिला तो जानूंगा कि आपने सब कुछ जान लिया है, तो इसमें समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उदाहरण की जरूरत ही नहीं है, तो मैं फिर आगे सीधे परिवार मूलक पर चला जाऊंगा। अब योगात्मक पर चलते हैं हम, थोड़ा इसको मैं मिटा करके, ये एक बार याद करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने यहां पूरा लिख दिया है। परिवार आकृति की भिन्नता से विश्व की भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, आकृति मूलक हो गई, परिवार मूलक और आकृति मूलक। द्विधा चा आकृति मूलस्ता, और आकृति मूल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, योग अयोग प्रभेदता, योगात्मक और अयोगात्मक, अयोग भेद एकस्तु, अयोग भेद से मात्र एक ही प्रकार का होता है, उसको कोई भी प्रकार होता ही नहीं है। त्रिधा योगात्मको मतः, योगात्मक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, श्लिष्ट आश्लिष्ट प्रश्लिष्टाश्च प्रकृति प्रत्यात्मक, अर्थात श्लिष्ट आश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट ये होते हैं, और इनका मुख्य आधार क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय होता है। इसका नाम ही आकृति मूलक इसीलिए रखा गया है, क्योंकि शब्द की आकृति के आधार पर, अब आकृति कैसे बनती है देखिए, अब आकृति पद के आधार पर बनती है, वाक्य के आधार पर बनती है और रूप के आधार पर बनती है, ये आकृति बन जाती है। पद यदि बदला जाएगा तब भी आकृति इसकी चेंज हो जाएगी, वाक्य में वो परिणति होंगे पदों का तब भी उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, रूप में यदि इसको बदला जाएगा, राम के रूपों को बदला जाएगा तब भी उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, इसके लिए इसका नाम उन के आधार पर आकृति मूलक रखा गया। ठीक है, ये तीन हैं, और तीनों से जब शब्दों की आकृति में बदलाव होता है तो उसको आकृति मूल कहते हैं। पारिवारिक मूलक क्यों, मूलक कैसे कहते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियो में उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके अब यहां से हम
शुरू करते हैं। ये हमारा यहां तक हो गया है, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ और प्रश्रेष्ठ को ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और यदि ना आया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं देखूं इसमें क्या आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से पूरा। अब हम यहां से लेंगे, इसको ऊपर भी बना देंगे, आकृति मूल ले लेंगे पूरा। ठीक है, एक बार और इसको थोड़ा सा बना दूं मैं, आकृति मूलक। आकृति मूलक को दो भागों में बांटा गया था, अयोगात्मक, इसको हमने देख लिया चीनी, बर्मी, सूडानी और तिब्बती के रूप में। योगात्मक, योगात्मक को तीन भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं अब। ठीक है, श्लिष्ट अश्लिष्ट प्रश्लिष्ट, दूसरा और ये तीसरा। श्लिष्ट जो है इसके दो भाग हो जाते हैं, श्लिष्ट के कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। एक भाग हो जाता है इसका अंतर्मुखी और दूसरा हो जाता है बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो हो जाते हैं, फिर इनके दो दो हिस्से और हो जाते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दो दो हिस्से हो जाते हैं, एक होता है संयोगात्मक और दूसरा हिस्सा होता है वियोगात्मक। ठीक है, अब संयोगात्मक जो भाषा है अंतर्मुखी की वो अरबी भाषा है। संयोगात्मक का सीधा तात्पर्य होता है जब प्रकृति और प्रत्यय, याद रखना है यहां पे, प्रकृति प्लस प्रत्यय, जब प्रकृति और प्रत्ययों को दोनों को समझना मुश्किल हो जाए कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग हैं या नहीं, वहां एक ही हो तो वो संयोगात्मक के अंतर्गत आता है, वो अरबी भाषा में है। और वियोगात्मक है हिब्रू, एक भाषा है हिब्रू भाषा में प्रकृति और प्रत्यय दोनों में पता चल जाएगा, या एक तरह से मानिए उसके कारक जो होते हैं, कारक का पता चल जाता है ये कौन कौन से कार्य, कारकों को अलग बनाया जाता है। संस्कृत में जैसे कारकों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो संयोगात्मक के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, अभी इसमें भी दो भाग हो जाते हैं, संयोगात्मक और दूसरा जाता है वियोगात्मक। संयोगात्मक और वियोगात्मक मैंने बताया था, संयोगात्मक में प्रकृति और प्रत्यय आपको पता नहीं चलेंगे, कारक चिन्ह आपको पता नहीं चलेंगे, वो उसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो इसलिए संयोगात्मक में बहिर्मुखी के अंतर्गत आती है हमारी संस्कृत। ठीक है, लेकिन जैसे ही वियोगात्मक में आएंगे तो इसमें हमें सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी, जैसे राम ने रावण को मारा, इस तरह से जो उदाहरण मिलेंगे तो उसमें सभी कारक चिन्ह हमको पता चलते जाएंगे। तो वियोगात्मक होता है अर्थात उसमें विश्लेषण सब चीजें मिल जाती हैं, तो वो हिंदी है हमारे यहां इसका उदाहरण, इसमें अरबी भाषा थी और हिब्रू भाषा थी, इसमें संस्कृत है और हिंदी है, इस तरह से ये दो थी और इसको रूट में ये बदल दिए गए हैं। अब हम चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, अश्लिष्ट पे चलते हैं, इसको मिटा दूंगा है ना। इसकी विस्तृत अगर व्याख्या आपको समझनी होगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मैं इनका विस्तृत रूप से उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। ये जो भाषा है अश्लिष्ट भाषा, ये चार प्रकार से हो जाती है। ठीक है, ये योगात्मक होती है लेकिन इसमें पूर्व
मध्य, अंत, पूर्वांत। अब क्या पूर्वांत? ये योग है, पूर्व योगात्मक, इसलिए मैं लिख लेता हूं उसको मध्य योगात्मक, आपके समझ में आ जाए। और ये अंत योगात्मक और ये पूर्वांत योगात्मक। इसके उदाहरण मिलते हैं, इसका जो उदाहरण मिलता है वो काफिर एक भाषा है उसका मिलता है, पूर्व योगात्मक अर्थात इसमें पूर्व में जोड़ी जाती है, जो भी प्रत्यय जो होते हैं वो पूर्व में जोड़े जाते हैं, इसलिए काफिर भाषा में। ये मध्य में जोड़े जाते हैं, इसमें आती है हमारी संथाली भाषा। संथाली एक भाषा है, उसके बारे में आपने जाना होगा। दूसरा, इसमें संथाली भाषा हो गई, इसमें मध्य में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो होती है तुर्की, तुर्की भाषा होती है, उसमें अंत में जोड़े जाते हैं, और पूर्व और अंत दोनों जगह जोड़े जाते हैं प्रत्यय, तो उसमें जो भाषा होती है वो मफोर एक भाषा होती है, उसके अंतर्गत ये माना जाता है। तो ये भाषा आपको याद रखनी है, जो कि क्यों उदाहरण आ जाते हैं इसके, पूछ लिया जाता है इनमें अश्लिष्ट भाषा में मध्य युगात्मक भाषा का के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो याद रखना है संथाली, ऐसी तुर्की अंत युगात्मक है, पूर्व अंत में आती है ये मफोर, और काफिर भाषा जो होती है वो पूर्व युगात्मक होती है, तो ये अश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है। अब हम प्रश्लिष्ट भाषा के में चलते हैं थोड़ा सा। प्रश्लिष्ट भाषा दो रूप में होती है, एक होती है पूर्ण प्रश्लिष्ट और दूसरी होती है आंशिक। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा होती है, इसमें क्या होता है, चेरोकी और इसके अंतर्गत आती है बास्क, ये दो हैं। पूर्ण प्रश्लिष्ट में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से समास युक्त होती है, याद रखना समास बाहुल्य होते हैं इसमें, अर्थात समास से ही माना जाता है ये, इसमें प्रत्यय से युक्त माना जाता है, ये समास युक्त होने के कारण इसमें प्रत्ययों के बारे में जानना असंभव हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि इसमें प्रत्यय हैं भी, लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसलिए इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक और वीडियो बनाना ही होगा, और उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अन्यथा मैं वर्गीकरण का दूसरा जो है पारिवार मूलक हम उस पर सीधे चले जाएंगे। मैंने सिर्फ इसका एक ढांचा दिया है, ढांचा समझने के लिए उसके उदाहरण बहुत ही आवश्यक हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है, नहीं तो हम परिवार पर चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही।